प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में लगातार राजनीतिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके बयान साफ तौर पर भड़काऊ हैं, मगर चुनाव आयोग एक बार फिर कुंभकर्णी नींद सो रहा है। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। चुनाव आयोग, आजाद भारत के इतिहास में राजीव कुमार के नेतृत्व वाला चुनाव आयोग सबसे वाहियात शर्मिंदा करने वाला चुनाव आयोग है दोस्तों, उसकी चर्चा कुछ देर बाद। मगर आज इस कार्यक्रम का मकसद यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषणों को लेकर आईना दिखाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि विपक्ष मुझे गालियां देता है, मगर प्रधानमंत्री आज मैं आपको एक शख्सियत के भाषण सुनाने वाला हूं और आप उनसे सबक ले सकते हैं। कैसे, कुछ देर बाद। मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री का एक भड़काऊ भाषण। प्रधानमंत्री यहां पर यह कह रहे हैं कि मुझे 400 सीटें इसीलिए चाहिए, कहीं कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो राम मंदिर पर बाबरी ताला न लगाते हैं। गौर कीजिएगा इस शब्दावली पर, राम मंदिर पर बाबरी ताला। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, यह हिमाकत कौन कर सकता है? मगर प्रधानमंत्री जनता को न सिर्फ झूठ बोल रहे हैं बल्कि यह भड़काऊ है। और तीसरी बात, जहां चुनाव आयोग की भूमिका आनी चाहिए, साफ तौर पर धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं, मगर हर बार की तरह चुनाव आयोग खामोश है। चुनाव आयोग एक्शन तब लेता है जब चिड़िया चुग जाए खेत, और इसकी मिसाल मैं आपको देने वाला हूं। मगर सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो अंश जिसे गोदी मीडिया में इनके पालतू जो हैं ट्वीट कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया में इसका प्रचार किया जा रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री, आपसे मैंने कहा, आप जो बार बार कहते हैं ना कि मुझे गालियां दी जाती हैं, हालांकि मैं नहीं जानता हूं प्रधानमंत्री आपको कौन गाली देता है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं आप अपने आलोचकों पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। जी हां, चार चार साल से लोग जेल में पड़े हुए हैं, कुछ लोगों पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं, तो मैं नहीं जानता हूं आप ऐसा क्यों कहते हैं कि मुझे लोग दो दो तीन तीन किलो गालियां देते हैं, क्योंकि उसके बदले में उनके साथ क्या होता है दुनिया जानती है। तो मैं आपसे यह कह रहा था कि मैं प्रधानमंत्री चाहता हूं कि आप उस व्यक्ति के शब्द सुने जो आपके लिए प्रेरणा हो सकते हैं, और यह भी हो सकता है कि जिस शख्स का मैं नाम लेने जा रहा हूं उससे आप बहुत नाराज हो जाएं, और वो शख्सियत है प्रियंका गांधी वाड्रा। और आज मैं बाकायदा उनके भाषणों के जरिए यह प्रमाणित करने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले याद कीजिए प्रधानमंत्री लगातार जो मंगल सूत्र पर झूठ बोलते रहते थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वो आपका सोना और मंगलसूत्र छीन लेंगे। आजकल प्रधानमंत्री मंगलसूत्र का जिक्र नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के एक भाषण ने भाजपा की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी थी। सुनिए मंगलसूत्र में गरिमा में रहते हुए, बगैर नाराज हुए, बगैर भाषाई मर्यादा का उल्लंघन किए प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, सुनते हैं। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले दो दिनों में, अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है, किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और बात यहां नहीं रुकी, प्रधानमंत्री अक्सर राजीव गांधी के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आज से नहीं, 2019 से, 2019 में भी लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने राजीव गांधी के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, इस बार भी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा नाराज हो सकती थी, मगर देखिए सधे हुए अंदाज में उन्होंने प्रधानमंत्री का किस तरह से पलटवार किया। सुनिए उनकी शब्दावली
और इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी वाड्रा क्या प्रधानमंत्री के लिए प्रेरणा साबित हो सकती हैं? भाषाई मर्यादा को लेकर सुनते हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है, लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं? जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, आपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे, जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, मेरा 56 इंच का सीना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा मैं शेरनी हूं। अब कायदे से बयान उन्होंने अपने नथुने फुलाकर कहना चाहिए था, कान से धुआं निकलना चाहिए था, गुस्सा होना चाहिए था, नहीं। देखिए किस सहज अंदाज में वो ये बात रख रही हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री आपके लिए प्रियंका एक प्रेरणा साबित हो सकती हैं। सुनिए। तैयार हो? तो अब मैं यहां से हिलने नहीं वाली हूं। जब तक 18 तारीख को मैं शेरनी हूं, शेरनी तो आपने दोनों नेताओं को सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने देश के मुसलमानों को घुसपैठिया तक करार दे दिया था। उनके हर चुनावी भाषण में कई गलत बयानियां होती हैं, कई झूठ होते हैं, और ये देश के प्रधानमंत्री हैं। देखिए किस तरह से वो राम मंदिर को कैंसिल करने की बात करते हैं आपके स्क्रीन पर। इंडी अघाड़ी का एक एजेंडा है कि सरकार में आएंगे तो मिशन कैंसिल चलाएंगे। इन्होंने कहा कि जब इंडी वाले सरकार में आएंगे तो धारा 370 को फिर लाएंगे। गलत बात, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मोदी सीए लाया है उसको कैंसिल करेंगे, 3 तलाक के कानून को कैंसिल करेंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है उनके घोषणा पत्र में कि ऐसा कुछ किया जाएगा। इसके अलावा मोदी जो गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, कहां लिखा है घोषणा पत्र में, समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री। और फिर अंत में जो भड़काऊ भी है, इतना ही नहीं, इंडिया अघाड़ी वाले राम मंदिर को भी कैंसिल कर देंगे। प्रधानमंत्री लगातार भाषाई मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, अक्सर झूठ का सहारा ले रहे हैं, और सबसे शॉकिंग
प्रधानमंत्री इतने डेस्परेट हैं कि जो कांग्रेस के फूके हुए कारतूस हैं, जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, चाहे वो राधिका खेरा हो, आचार्य प्रमोद कृष्णन हो, गौरव बल्लभ हो, इनका सहारा लिया जा रहा है कांग्रेस पर हमला बोलने के लिए, जबकि ये चेहरे अव्वल दर्जे के अवसरवादी हैं, अव्वल दर्जे के अवसरवादी। जिस आचार्य प्रमोद कृष्णन का आप सहारा लेते हैं प्रधानमंत्री, इस व्यक्ति ने आरक्षण का विरोध किया था, कुंभ में आरक्षण को विरोध करने का प्रस्ताव लाने की बात कही थी, अब आप इस आचार्य प्रमोद कृष्णन का सहारा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या आपके विचार मिलते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन से जहां तक आरक्षण की बात हो? सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। एक पुराने कांग्रेसी नेता ने जो 20-25 साल कांग्रेस में रहे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही कांग्रेस छोड़ी है, उन्होंने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि जब कोर्ट का राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, तब शहजादे यानी राहुल गांधी ने खास लोगों की एक मीटिंग बुलाई थी। शहजादे ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। आप मुझे एक बताइए बात दोस्तों, कि कोई फैसले को कोई कैसे पलट सकता है जबकि राम मंदिर का उद्घाटन हो गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गया है, मंदिर बन गया है, शाह बनो फैसले की बात की जा रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, शाह बनो फैसले के दौरान जिसकी मैंने खुद आलोचना की थी, बड़ा प्रश्न, उस वक्त कोई मूर्ति कोई मंदिर की बात नहीं हो रही थी, एक मुस्लिम औरत के इंसाफ की बात हो रही थी, यहां पर एक मंदिर बन चुका है। क्या प्रधानमंत्री इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो मंदिर को नुकसान पहुंचाएगी? प्रधानमंत्री आप ये जो बात कह रहे हैं बहुत गलत है, आप भड़काऊ बात कर रहे हैं, आपको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है, और सबसे बड़ी बात, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों 3 चरण के मतदान हो गए हैं, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था जिसमें किस तरह से दिखाया गया है कि राहुल गांधी कुछ अंडों में एक और अंडा रख देते हैं, कुछ अंडों में लिखा हुआ है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी, एक और अंडे को रखते हैं जिसमें से एक मुसलमान निकलता है और फिर वो मुसलमान जो है बाकी सब अंडों को बाहर फेंक देता है, साफ तौर पर भड़काऊ। यही नहीं, एक और वीडियो था जिसमें राहुल गांधी एक नाव में, जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी हैं, उसमें एक मुसलमान को डाल देते हैं और नाव थोड़ी और आगे जाती है और वो मुसलमान जो है बाकी सबको धक्के मार के फेंक देता है और फिर मोदी आते हैं उन्हें बचाने जो डूबने वाले होते हैं। साफ तौर पर मुस्लिम विरोधी भड़काऊ। मगर अब चुनाव आयोग का फरमान आया है, उन्होंने एक्स से कहा इसे हटाइए। जब 3 चरण के मतदान हो गए उसके बाद चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूं, अब जाकर आप कुंभकर्णी नींद से जागे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने चुनावी भाषणों में भड़काऊ बातें कह रहे हैं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कल संभलपुर में लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, यह तस्वीर देखिए, औरतों को धक्के मार के बाहर किया गया है, वोट नहीं डाला गया, लोगों के पास कार्ड्स थे, पहचान पत्र थे, आरोप यही लगाया जा रहा है। इन आरोपों के बारे में क्या कहना बताइए आपका? चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल ने एक बहुत दिलचस्प बात कही है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो करारा तमाचा है चुनाव आयोग के चेहरे पर, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। कारवां निकल गया गुबार देखते रहे, कर्नाटक में आज चुनाव हो गया, अब जाकर चुनाव आयोग का फैसला आया कि कर्नाटक बीजेपी अपनी आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट कर दे, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पाशिमा का पाशिमा होना। गालिब का शेर है दोस्तों, मेरे कत्ल के बाद उसने सितम से अन्याय से तौबा की है, हाय कितनी जल्दी वो शर्मिंदा हुए। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ इस तरह से है, कितनी जल्दी शर्मिंदा हुआ है ना चुनाव आयोग। मैं फिर कहना चाहूंगा, राजीव कुमार जी आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपके सामने मिसाल TN सेशन की है, आपके सामने मिसाल सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकें। मगर राजीव कुमार और चुनाव आयोग भाजपा के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है, शर्म तक इन्हें नहीं आती। चलिए अपनी सांवैधानिक जिम्मेदारियों को भूल जाइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अपने बच्चे तो होंगे ना राजीव जी, या जो अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं उनके बच्चे होंगे ना, उनको आप कैसे मुंह दिखाते हैं, मैं समझना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर मेरा यह कार्यक्रम उन 3 चुनाव आयुक्तों के कोई रिश्तेदार देख रहे होंगे तो मैं चाहूंगा वो रिश्तेदार ये कार्यक्रम उन्हें दिखाएं,
उन तीन चुनाव आयुक्तों को दिखाएं कि आप किस तरह से हमारे परिवार को शर्मिंदा कर रहे हैं, लोकतंत्र को शर्मिंदा कर रहे हैं, संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं, चुनावों को शर्मिंदा कर रहे हैं। क्योंकि शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।